हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप आ गए एक और वीडियो में। मुझे निकलना था सुबह घर काफ़ी जल्दी और आज काफ़ी लेट होता जा रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना कभी कभी फंसा देती हैं कि क्या ही बताया जाए। कल तो उसमें चालू होने का नाम नहीं लिया, सब कुछ करके देख लिया लेकिन नहीं हुआ। तेल भी था फिर भी नहीं हो रहा था। लोग कहेंगे आप कंजूसी कर रहे थे, तेल नहीं था, तेल डालते चालू कर नहीं, तेल कल था आज। और उसके बाद वो स्टैंड उसका पैर रखने वाला कदम ने बोला कि लिटा दीजिए, हो सकता तेल कम हो, लिटाए तो पैर रखने वाला स्टैंड टूट गया। तो अभी तैयार होकर निकल रहा हूँ फटकर फटाक से पूरा। तो चलिए चलते। ये है वो लड़का जो सुबह सुबह आया था मेरा, यही आया पेट्रोल पंप से फेंटा करता है, सॉरी दुकान से फेंटा करवाया, फ्रिज से एकदम चिल्ड चिल्ड चिल्ड। गाइस पहुंच गए थे घर और जिस काम से आए थे उस काम के लिए अभी निकल रहे हैं हम गोरखपुर। तो बने रहिए हमारे साथ। दुल्हन का विवर उठाना है अभी। तो अभी आ गए बिल्लो के अंदर और ये पीली लाइट, यू हर्ट मी। वहाँ है विनोद भैया की दुकान, इधर आ बोले। तो विनोद भैया क्या हाल चाल है? ठीक है। तो हमको दे दीजिए 20 किलो सिवई 20 जगह और 20 किलो चीनी 20 जगह और नारियल दे दीजिए और 250 ग्राम डालना। और तुम काम चोरी मत करो, काम करो, चलो। तो अभी 50-50 ग्राम चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मेवे को अलग अलग पैकेट में बना दिया गया है, बाकी अभी राहुल अपना काम कर रहा है। जब तक वो काम करता था तब तो बाकी और काम कर लेते हैं। दरअसल ये सब जो आप देख रहे हैं वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकूँ और थोड़ी दुआएँ ले सकूँ, थोड़ा प्यार ले सकूँ। तो मैंने ये नया मुहिम नहीं कहेंगे, मैंने एक एनजीओ की तरह स्टार्ट किया है इसको। एज एनजीओ स्टार्ट किया है मैंने कि अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप हमारे पास दे के जाइए, अगर आपके पास कम है आप हमारे पास से ले के जाइए। तो जिससे मतलब ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होगी। और जिनके पास होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको समझ नहीं आता कहाँ खर्च करें, हमारा पैसा कहाँ सही जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो पैसा है वो एक सही जगह और सही ज़रूरतमंद को आपको वो पैसा मिले। तो ये एनजीओ का हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही रहेगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टा पर DM कर सकते हैं जी, या तो जिसके पास डायरेक्ट मेरा नंबर है तो वो नंबर पर कॉल कर सकता है मुझको। मैं ये अब तो ये ईद हो गई, जैसे जैसे मैंने कहाँ से अरेंज करके वो चीज़ जो अल्लाह मालिक है कहाँ से अरेंज हुआ जो हुआ, लेकिन नेक्स्ट जो ईद का, ये स्पेशल ईद के लिए नहीं कह सकते हैं, स्पेशल गांव के लिए मैं अपने कर रहा हूँ कि जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, अगर किसी की शादी होती है, अगर ज़्यादा अच्छा फंड हमारे पास रहता है तो किसी की शादी में भी मदद कर सकते हैं। तो बाकी सबका देखना है, आपकी सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो चलिए, तो ऐसा नहीं है कि बस ईद के लिए ये चीज़ सोची जा रही है, ये एक गांव के नागरिक होने के लिए मैं सोच रहा हूँ। या तो दिवाली हो, या तो होली हो, या तो कोई भी त्यौहार हो, अगर मेरे गांव में कोई ऐसा है जिसको सच में मेरी ज़रूरत है तो कोशिश करूँगा मैं उस तक पहुँचने की और उसकी हर ज़रूरत को पूरे करने की कोशिश करूँगा। त्यौहार ही नहीं, या इनकेस अगर अच्छा बजट हमारा ये NGO का बना तो हम किसी की अगर बीमार है कोई तो उसकी मदद भी कर सकते हैं, किसी की घर शादी है तो थोड़ी बहुत रकम हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग का साथ ज़रूरी है, अगर जो चाहते हैं मेरे NGO से जुड़ना वो मेरे को DM या डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो ये काम शुरू हो चुकी है मुहिम, तो इस वीडियो को मैं आगे पोस्ट कर रहा हूँ। अभी ये बात तो आज मैंने वीडियो में बोली है, मैं ये काफ़ी दिन से कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने वीडियो में इसलिए बोला है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको भूख कम लगती है, तो थोड़े बहुत खाने से काम चल जाता है, लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है ना तो उसकी ज़रूरत, उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका रहन सहन सब कुछ में बदलाव हो जाता है और बढ़ भी जाता है। तो वैसे ही है, पहले थोड़ी बहुत ज़रूरत पूरी होती थी लोगों की, अभी जैसे कि लोगों से जुड़ना मेरा शुरू हुआ है तो मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं छूट रहे हैं मुझसे। तो इसीलिए मैंने ये बात बताई कि अगर आप लोग का साथ मिलेगा तो हम सबकी मदद कर सकते हैं। तो मत देखिए सूख रहे हैं।
बाकी अभी देखते हैं राहुल कहाँ तक पहुँचा है। तो आज रात का प्रोग्राम है कि रात का सीन ये है कि रात में हमको बांट देना है, क्योंकि हमें फिर वापस जाना है, बहुत सारे काम है रहते हैं। पहले सारा सामान आ गया है और मैंने लगाना शुरू भी कर दिया है, ऐसे में मुझे पैक बनाना सारा, जिसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स और जो सामान है उनके उसमें रख देने हैं, बाकी इसको बांध देना आराम से, 1-to-1 parcel ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी हम इसका पैक बना लेते हैं। हम पहले लेंगे एक पन्नी, तो एक आपसे दिक्कत होगा तो मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ एक पन्नी में क्या क्या रहने वाला है। एक पन्नी में ये आपकी 1 kilo सिमी रहेगी, एक ये नारियल रहेगा, बाकी सब में से एक एक पाउच ये रहेगा जो कि का मेवे होंगे, और ये 1 kilo चीनी होगी, और ये डालडा का पैकेट जितने में सफिशेंट हल्की सिमी बन जाएगी, वो ये चीज़ें। बाकी अब मैं कर लेता हूँ आराम से, क्योंकि मैं एक हाथ अकेले होने की वजह से मुझे एक हाथ से ये भी शूट करना पड़ा। मैंने मेरे ये खबर बस दिखा दिया कि क्या क्या रहेगा इसमें, तो अभी वीडियो में बने रहिए, बाकी आके देखते हैं कि कब कितने बजे तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी स्टार्ट अपने अबू से करवा दिया है, एक लोग को दिलवा दिया, अभी बाकी जो जा रहे हैं हम फहद के साथ, कह रहा था ब्लॉग मत बनाना तो अभी जा रहे हैं गांव में, बाकी अब गांव से जब बांट के आएंगे तब आपसे मिलते हैं। Few moments late. तो गाइस अपना डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो चुका है, एक पैकेट बच गया है, तो अभी वो लेके जा रहे हैं अपने घर, आसपास जो भी होंगे ज़रूरतमंद उनको पहुंचा दिया जाएगा। बाकी जैसा सोचा था वैसा हुआ, काफ़ी अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लगा, लोग बस आप लोग से उम्मीद ये, और मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, ये जो अच्छा इस बार लोगों को लगा है मैं चाहता हूँ हर साल अच्छा लगे। तो जो लोग, मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, जो लोग साथ देना चाहते हैं यार प्लीज़ साथ दें मेरा, और मेरे साथ बने रहें, हर त्यौहार पे खुशियाँ बांटी जा सकें। हम लोग कुछ एक नया चीज़ स्टार्ट किए हैं, तो नया चीज़ नहीं सब करते हैं, बाकी बहुत लोग करते हैं, लेकिन अपने एरिया में स्टार्ट करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर, होठ पूरे अच्छे से सूख चुके हैं मेरे, गर्मी से बहुत तगड़ी धूप है बाहर, तो सीन कुछ ऐसे ही। अभी जा रहे हैं, थोड़ा देर आराम करेंगे, नहाएंगे, फिर उसके बाद इफ्तार करने के बाद फिर देखते हैं, क्योंकि अभी ये अपना गांव कंप्लीट हो चुका है, मैक्सिमम अभी एक या दो लोग जो बचेंगे बाद में देखते हैं अगर, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई है नहीं, अगर बाई चांस कभी कभी होता है छूटा हुआ को, मेरे दिमाग का भूला हुआ याद आ जाता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो अभी बाकी अब नेक्स्ट ये है कि कुछ लोग हमारे जहाँ चौराहे पर रहते हैं वहाँ के आसपास में भी कुछ लोग हैं, उन लोग तक भी पहुँचाया जा सके ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो चलिए ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो सच में ज़रूरतमंद हैं, तो शायद मेरी वीडियो से जो ज़रूरतमंद है वो मुझसे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका नाम नहीं, मैं हर उस इंसान का नाम सामने नहीं आने दूंगा कि जिसकी मैंने मदद की है, बस मैं उन लोग का कभी कभी नाम लूँगा जो सच में मेरे साथ हमेशा रहेंगे, उन लोग का तो नाम क्या लेना, वो तो दिखेंगे ही जो मेरे साथ हैं। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो ऐसे देख रहे हैं जो लोग सच में जिन्हें नीड है किसी चीज़ की, तो एक बार मुझसे ज़रूर एक बार मुझसे ज़रूर कह सकते हैं, शायद मैं आपकी ज़रूरत पूरी करने में थोड़ा मदद कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, बाय बाय, देखते हैं आगे का सीन।